जेडीयू के नए प्रदेश अध्यक्ष बने उमेश कुशवाहा। पार्टी की दो दिवसीय कार्यकारिणी बैठक में सीएम नीतीश ने लिया फैसला। बोकारो के बीआईबी स्कूल के प्रांगण में पारा शिक्षक संघ ने की जिला स्तरीय बैठक। बता दें, आगामी 10 फरवरी को सीएम का घेराव करेंगे राज्य के पारा शिक्षक। वहीं सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। बीजेपी की ओर से चल रहे राजगीर में प्रशिक्षण शिविर में पहुंची डिप्टी सीएम रेणु देवी। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी जेडीयू के बीच नहीं है कोई मतभेद। हमारी सरकार अच्छी चल रही है, ये सोच के रख लीजिए कि हमारी सरकार एक मुश्त मजबूत है। ये हमारा न्यू कभी हिल नहीं सकता है, हम 5 साल सरकार चलाएंगे। रांची में झारखंड आंदोलन के प्रणेता और पूर्व न्यायाधीश स्वर्गीय जस्टिस एलपीएन शाहदेव की मनाई गई 9वीं पुण्यतिथि। इस दौरान शाहदेव चौक पर स्थापित एलपीएन शाहदेव की प्रतिमा पर बीजेपी नेताओं ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जमुई जिले के झाझा में बिग मैजिक की तरफ से किंग ऑफ वॉइस ऑडिशन का किया गया आयोजन। इस दौरान जिले के कई कलाकारों ने अपनी गायकी का प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा को भी दिखाया। अरवल जिला के कलेर प्रखंड अंतर्गत खाद भंडारण दुकानों का पदाधिकारियों ने किया औचक निरीक्षण। इस दौरान अधिकतर दुकानें पाई गई बंद। मुजफ्फरपुर में आयोजित राज्य स्तरीय जूनियर महिला कबड्डी प्रतियोगिता में शामिल होने को लेकर सीतामढ़ी से टीम हुई रवाना। बता दें, सीतामढ़ी की डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा ने टीम को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सीतामढ़ी जिले से जूनियर राज्य स्तरीय जोनल टीम कबड्डी के लिए रवाना की जा रही है। ये सभी मुजफ्फरपुर जा रहे हैं जहां इनका खेल का आयोजन होगा। रोहतास के कैमूर में 12 साल की बच्ची के साथ हुआ दुष्कर्म। मामले की जांच में जुटी पुलिस। चाईबासा के पश्चिमी सिंहभूम में पुलिस ने 45 दिन बाद जुरिया दुराई गुरु हत्याकांड का किया खुलासा। दो हत्यारों को गिरफ्तार कर भी भेजा जेल। जमशेदपुर के पोटका के कलिकापुर नेताजी सुभाष स्कूल में युवा कुमार समिति के कोर कमेटी की हुई बैठक। इस दौरान कमेटी ने कई प्रस्ताव पारित किए। बोकारो के तात्री नदी से पुलिस ने बीते 3 दिनों से लापता 2 व्यक्तियों में से एक का शव किया बरामद। वहीं दूसरे के शव का अब तक नहीं चला पता। चाईबासा में जिला उपायुक्त पुलिस अधीक्षक और अन्य वरीय पदाधिकारियों ने नोवामुंडी प्रखंड के सुदूर वन ग्रामों का किया भ्रमण। राजधानी पटना से सटे नौबतपुर में गाड़ी मालिक के साथ मिलकर चालक ने की उपचालक की हत्या। मृतक का शव तरेत गांव के पास से किया गया बरामद। इलाके में हड़कंप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सहरसा के कैलाशपुरी मोहल्ले स्थित लॉज में फंदे से लटका युवक का शव बरामद। इलाके में फैली सनसनी। वही मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। लेकिन यहाँ कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, इसी कारण बस लगता है सुसाइड है। ये फांसी चुके लगाए हुए है, इंक्वेस्ट करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बालू लदे ट्रैक्टरों के मालिकों से पैसे लेते वीडियो वायरल होने के बाद रोहतास एसपी एक्शन में। आरोपी थाना अध्यक्ष गुंजन कुमार को किया सस्पेंड। तत्कालीन बघेला थाना अध्यक्ष थे, उनके द्वारा अवैध रूप से जो पैसे का लेन देन किया जा रहा था बालू के ट्रैक्टर के संबंध में, तो इसकी जांच कराई गई और जांच के उपरांत उनको निलंबित कर दिया गया है तथा उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करके आगे की कार्यवाही। जमशेदपुर में तेज रफ्तार हाईवा ने ली शख्स की जान। वहीं घटना के बाद लोगों ने सड़क को किया जाम। इस दौरान ग्राम प्रधान ने हाईवा मालिक से की मुआवजे की मांग। रांची पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हथियार सप्लाई करने वाले 2 व्यक्ति को किया गिरफ्तार। इस दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि हम लोग हथियार पहुंचाने आए थे। पश्चिमी सिंहभूम जिले में पीएलएफआई नक्सली सदस्यों के खिलाफ चाईबासा पुलिस ने चलाया सर्च अभियान। इस दौरान मोटरसाइकिल से भाग रहे 2 व्यक्ति को संयुक्त अभियान दल द्वारा किया गया गिरफ्तार। सरायकेला के कोल्हान मजदूर संघ के नई कार्यकारिणी की घोषणा आज कर दी गई। इस दौरान कोल्हान मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष अंबुज कुमार ने बताया कि संघ किसी भी कंपनी में अपना यूनियन नहीं चलाएगी। उसी की कड़ी में इन लोगों का सामाजिक कार्यों में रुचि को देखते हुए हम लोगों ने सुकेश गुप्ता जी को गमरिया प्रखंड का अध्यक्ष और ऋतिक साहू जी को आदित्यपुर नगर का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया था। राज्य में नहीं थम रहा है शराब का कारोबार। ताजा मामला सीतामढ़ी का है जहां एक घर से छापेमारी कर 90 कार्टून विदेशी शराब किया गया जब्त। आज जो कि एक सेपरेट प्लेस पे है वहां से 90 कार्टून इंटीरियर ब्लू जो 180 ml का बोतल रहता है 90 कार्टून बरामद हुआ है और 17 ग्राम गिरफ्तारी हुई है। इसने 2 अन्य अभियुक्तों का नाम दिया है। बिहार में नहीं दिख रहा है शराबबंदी का असर। ताजा मामला मुंगेर का है जहां गुप्त सूचना के आधार पर असरगंज थाना पुलिस ने शुरू किया वाहन चेकिंग अभियान। इस दौरान 310 बोतल देसी शराब किया बरामद।